वही बता रहे हैं, या पीछे वो लगे हुए थे या क्या हुआ है वो तो अब देखने के बाद ही पता चलेगा। लास्ट हांसी में गड़ी से बरसी रोड पर क्रेटा गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से गाड़ी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार पर ग्रामीणों का कहना है कि गाड़ी में हेडमास्टर गड़ी गांव निवासी सुंदर सिंह थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी है। अभी तक पुलिस इस बारे में स्पष्ट नहीं कर पाई है कि ये मौत है या हादसा। जानकारी के अनुसार दुर्जनपुर गांव में तैनात प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर सुंदर सिंह स्कूल में किसी काम से गए थे। काम निपटाकर वह अपने घर गांव गड़ी आ रहे थे। गांव से कुछ दूरी पर ही अचानक गाड़ी में आग लग गई, जिससे अचानक गाड़ी में धमाका हुआ और गाड़ी का फ्रंट शीशा टूटकर दूर जा गिरा। आसपास के लोगों के पहुंचने से पहले ही गाड़ी सवार झुलस गया। घटनास्थल पर पहुंचे सुंदर सिंह के भाइयों का कहना है कि कई दिनों से पास के ही गांव के कुछ युवक उनके भाई को तंग कर रहे थे। उनका पैसों का लेन देन था, जिसके चलते वे युवक कई बार सुंदर सिंह की गाड़ी भी रुकवा चुके थे। इस बारे में सुंदर सिंह ने उन्हें जिक्र भी किया था। परिवार के लोगों ने आशंका जताई है कि पैसों के लेन देन के मामले में भी सुंदर सिंह की हत्या की जा सकती है। फिलहाल इस बारे में अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी है। ये इतनी बड़ी गाड़ी है सर, कौन सी गाड़ी थी? ये क्रेटा गाड़ी है। क्रेटा गाड़ी के अंदर भी क्या नाम है, ऐसे एकदम से आग लगना या इतनी देर में कोई संभल भी ना पाए, यह भी नहीं हो सकता कि बंदा रुके और इतनी देर में ना संभल पाए, ऐसी भी नहीं है स्थिति। ये कौन सी मॉडल थी, मतलब कोई आपको लगता है मॉडल है? नहीं नहीं, मॉडल पुराना है, 19 मॉडल है, 2019 मॉडल है। ऐसा नहीं है बेशक अभी भी मतलब हो सकता है वारदात की वजह। हाँ, ये हो सकता है वारदात जो है, ऐसे नहीं है भाई कि वो ऐसे ही निकलने वाले हैं। तो ये जो चीज़ हुई है भाई, हो सकता है भाई उनके साथ कोई वारदात भी हुई है, उसी को लेके चले हों, उन्होंने क्या वारदात की है, लास्ट लोकेशन जो है, साथ में फ़ोन की जो है वो क्या रही है और किन से क्या बात हुई है, तो वो तो लोकेशन से ही पता लगेगा। उनकी कॉल डिटेल निकाली जाएगी, उसे देखा जाएगा भाई किससे क्या हुआ है, उसके पहले की भी लोकेशन देखी जाएगी कि ऑफिस के काम से जा रहे थे या फिर छुट्टी पर क्यों थे, क्यों। हमारे पास कोई ऐसी सूचना छुट्टी की नहीं है, हमारे पास सूचना ये थी कि ये क्या नाम है अपने स्कूल गए हुए। लास्ट तक भी यही था कि मेरे पास भी कॉल आया है भाई इसी तरह भाई बात हुई है, तो मैंने भी कहा वो तो स्कूल में गए हुए हैं भाई, वो तो स्कूल में है। ये 12:30-1 बजे के आसपास का बता रहे हैं। तो अभी तक क्या पुलिस वाले आ चुके हैं? पुलिस वाले आए हुए हैं। हाँ जी, मामला तो देखो, मामला तो अभी इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगा भाई क्या है, लेकिन क्या है कि ये गड्डी की तरफ की लोकेशन है भाई, क्या हुआ है कैसे हुआ है ये तो जो खेतों के जो आसपास के जो लोग हैं वही बता रहे हैं, या पीछे वो लगे हुए थे या क्या हुआ है वो तो अब देखने के बाद ही पता चलेगा। लास्ट कॉल किससे बात हुई है, किन से क्या बात हुई है, वे स्कूल में वो गए थे कि नहीं गए थे, कि कहीं ऑन ड्यूटी जा रहे थे, तो वो चीज़ तो जो है लोकेशन के हिसाब से ही पता चलेगा। कोई वारदात के बारे में बता रहे हो? कोई वारदात के बारे में भाई साहब जो बता रहे हैं तो ये ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि मेरे से हम डिस्कस करते रहते हैं भाई। हाँ, क्यों, मैं तो अभी पोस्टिंग मेरी रोहतक है, मेरी क्या नाम है, जब आता था तभी बात होती थी, तो ये मैं मनीराम है मेरा नाम जी, तो ये तो साथ ही रहते हैं, मान ले गाँव में ही रहते तो हम भी हैं, लेकिन मेरी पोस्टिंग रोहतक है, तो फ़ोन पे तो बात हो जाती थी, तो या वीकेंड पे आते थे तभी बात हो पाती थी। इनके एक लड़का है एक लड़की है, बड़ा लड़का है छोटी लड़की है। सर गाड़ी क्या कुछ प्राप्त होगा? जैसे हमने सूचना मिली थी, सूचना मिलने के बाद हम मौके पे पहुँचे थे, तो गाड़ी पूरी तरह से जली हुई थी और अभी हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर किसी का शव भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, एक शव मिला, अभी ये नहीं पता चला अभी किसका शव है, अभी ये पोस्टमार्टम के बाद और टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि किसका शव है। ये लगभग घटना तो 12:30 बजे के करीब बता रहे हैं, सूचना हमने 1:15 बजे के लगभग, उससे पहले हमारी 112 गाड़ी आ चुकी थी और फायर ब्रिगेड हमारे से पहले पहुँच ली थी, हमें जैसे ही सूचना मिली हम मौके पर पहुँच गए। काकी घटना सर, ये घटना है गड्डी रोड से बड़सी को एक रास्ता जाता है इसके बीच में। ठीक है।